अस्सलामु अलैकुम। आज का व्लॉग रेशमा को से माशाल्लाह धूप निकली रेशमा भी बड़ी खुश। यहाँ रेशमा जी आ रहे बेहतर आ गया, धूप भी बेहतर है, मौसम भी बेहतर है माशाल्लाह। तो मंगल बाजार भी लग रहा है, तो तुम चेक कर सकते हो मंगल बाजार। तो आज जो ओपन ही मंगल बाजार लग रहा है, तो आज ही हूँ काफ़ी लग चुका है, चेक कर सकते हो तुम। तो रश भी हौली हौली पै रहा है, तो हिकमत दान भी आ गए ने, चेक कर लो। कादम साहब भी आ गए ने, तो कादम साहब अगे पीछे फ्रैश हो के आन या ना आन, जो मंगल होंगे पै चेक कर रश फ्रश हो गए ने। हाँ जी कादम साहब, हाँ जी हाँ जी भाई जी, बड़े खुश हैं। तो अमीर अली भी भाई जी खुशी की वजह पूछने। हाँ जी अमीर अली भाई, यार बड़े खुश लग रहे हैं। यार असल में ना मेरे पास आज ठेका आ गया मंगल बाजार का। दुकान पे आज वो बंदे आ गए ने जो जिंदगी दुकान पे आई कभी नहीं, क्योंकि अज इसकी रीजन है कि अज मंगल बाजार है। तो यह भाईजान कभी है तो मेरी शॉप पर आए ही नहीं। तो चेक कर लो, आज सुबह सुबह ही नहा धो के फ्रैश हो के आ गए ने। हाँ जी, ये सारिया जो बाजिया ने सारिया इंडिया ने। हाँ जी, तो सारे तुम गलत समझ गए होने हो, तो हम फ्रैश हो के हमें जान लगा है। तो सुबह सुबह फोन किया, हाली मैं बिस्तरे जी हैगा सी, तो इन्हें मैंने फोन किया, इन्हें खाली भाई तुम दुकान पर लाजमी आना है, सिर चाह के आपकी शक्ल विखा बड़े आशका लगे हैं। अमन भाई मालते समान गए, तो अमन भाई जहाँ मालते लैके आओ पैसे कर थलू ही कमा दे जा लै। मैं हम जा रहे हैं मालते लैन, तो इन्हें तो नहीं खवाए, मैं आगे चलो मैं ही खवा देना। कर सकते बगैर किलो का रेट पहुँच के दस साल लै रहे लैके जा रहे हैं वापसी। तो अमीर जी साहब मालते वेखे ने, हम साढ़े यार हो गए मालते वेख के, तो मूड बदल गया। तो मालते में लून वास्ते जी बेहतरीन प्लेट है, चेक कर। वो इंसान इतने आ गए ने जिन्हें जी इंग्लिश इजाद की थी, तो इंग्लिश ऐसी बोलन गए फटाफट इंग्लिश बोलो जी। हाँ जी, डेफ टी एंड डेफ, क्या बात है। हरी एफ एम सिविल एक्शन फॉर। जहाज टक्कर गया, तो जहाज की स्माइल चेक करो। ये तेन पाकिस्तान की हुकूमत दे दी जाए की कर से यही हंस के विखावेगा जी इन हुकूमत दे दी। क्या बात है, हाउ आर यू? वेस्ट इन ब्लैक। तो कह रहे आदम जानना, कह रहे आदम लैन लगे हैं भाई यारा को दातन। ते भाई जी कितू आए हो जी? माशाल्लाह बड़ा सफर करके आए ने। ते ऐ भाईजान ने 5 रुपए का दातन लिया है। अच्छा, कभी कूड़ भी मार लिया घर करके जा रहे हैं जी। हूँ मैं घर, ते घर जाके फिर जावांगा मस्जिद, ते मस्जिद तो बाद इच फिर दुकान ते जावांगे मस्जिद। ते मस्जिद ताला लगा हुआ है अज फिर, ते ये सारा कमाल हूँ होएगा इस लोटे का। ते लोटे का ही हूँ जी घर, ते हूँ मैं करांगा पेट पूजा। आदम साहब को, ते आदम साहब चुप रहे ने गन्ना, ते गन्ने गन्ने चुपी जा रहे ने, क्या करा यार। गया मेरा क्लास फैलो जिन्हें एक तू लग के अठ तई क्लास मेरे नाल ही कीतिया ने, करना थानू दीदार कर लो है माशाल्लाह। मैं लैके जा रहा सैयद आला दी बिलकुल आराम का जगह, थानू भी चेक करवाने अगे ही पहली वीडियो चेक करवाई होगी। रवाना हो गया जगह का, हर साहब का कहना है कि पहले बाबे को दर्शन कर लीए, बाबे को हो गए तो फिर जावे सैयद आला दी आराम का। बाबे के आर्डर होए तो अगे जाना है, नहीं तो वापस आ जाए। बाबे से पहुँच गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह तुम चेक कर सकते हो, बहुत खूबसूरत माहौल है। तो इफ्तार साहब आपके दिन की हर गल पूरी कर सकते हैं। बाबे को हट लै लीए कि असं आराम का जाइए कि ना। हाँ जी बाबा जी चले जाओ जी, ओके ओके आर्डर आ गए ने। कार भाई मुबारक हो, बाबे ने कहा चले जाओ। हाँ जी असं जा रहे हैं वापसी, बाबे के आर्डर तो थानू पता हो गए ने, तो हम असं आराम का जाके सारा विजिट करावे थानू। तो इफ्तार भाई भी आज दिल दलां थानू दिल की गहराई ना आज दिल के जो मामलात जो हो रहा है सब थानू पीछे वेख रहे होने। वो एक मंदिर बनया है, तो इतने पहले जी सिख रहते थी, तो इनके उत्ते बहुत गोल्ड चांदी की थी, तो आ के ला के तो लै गए ने। पर सानू दोवां नू पता नहीं लगा, असी दोवां ने ला लेना सी, हुण असी बहुत परेशान है इस गल नू सोच के।
हाँ जी माशाल्लाह व्यू चेक करो, असी स्वाद जा रहे हैं ते स्वाद का नज़ारा चेक करो, ए पत्थर ते बड़ा है। व्यू चेक करो गाइस, व्यू कैसा आ रहे हैं माशाल्लाह। इफ्तिखार साहब बहुत खुश हो रहे हैं, पहले इफ्तिखार साहब इस जगह ते कभी नहीं आए। अगे असी हम जावांगे आज़ाद कश्मीर ते उस तो बाद फिर वापसी आ जाना, क्योंकि क्योंकि इन्हें आके घर नाश्ता भी करना है। जिमें असी पहाड़ों के उत्ते जा रहे हैं तो दिल दिया धड़कन तेज हो रही ने, ते इफ्तिखार साहब बहुत परेशान है, पहली बार स्वाद आया इन्ना, तो अगे असी जावे स्वाद तो अगे कित जाना वादिए दुलदुल वादिए सोना में जाएंगे, उधर हम जो है आपको मनाजर दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। बिल्कुल आप हमारे साथ अब वहाँ हम स्टे करेंगे, उसके बाद हम घर वापस आ जाएंगे 500 किलोमीटर सफर करके एक घंटे में इंशाल्लाह। चेक कर सकते हो अभी पहाड़ तो थले जा रहे हैं, तो खार साहब बहुत तेजी ना जा रहे हैं, ते और सामने थोनों पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इन्हों पहाड़ों के उत्ते इफ्तिखार साहब चढ़न गए, बंदियां तो बड़ी दिक्कत महसूस होती पर इफ्तिखार साहब ईजीली चढ़ जाएंगे। माशाल्लाह तुसी व्यू चेक करो, सारिया गल्लां छड़ दे हो, व्यू कैसा आ रहा है। पहाड़ की ऊंचाई बड़ी है ते इफ्तिखार भाई जा रहे ने बहुत औखा बचा, ओए होए 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 ऊंचाई इन्नी है कि इफ्तिखार भाई इफ्तिखार भाई गिनने लगे थे क्या कर लो, ओ होए होए। हाँ जी इफ्तिखार भाई ओ इतना ऊपर चले गए हो, क्या बात है। चिल कर रहे हैं जी, गरु असी करके आए हैं चोरी, ते माल असी लैके आए हैं जी 150-150 रुपया, ते स्वाद दा टूर कट रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह जिस तरह जी भाई कह रहे हैं 150-150 रुपया लैके आए हैं। हाँ जी तो सानू नहीं पता भी कितने कितने लाने। हाँ जी साड़ी समझ ही नहीं आ रहा कि साडे को इन्ना पैसा कितों आ गया है। कहना कि आपने को इन्नी पेमेंट है कि आप वेरान इलाके ले हैं ते कोई आपने को पेमेंट ले ना रहे थे, इसलिए आप 300 रुपया अकाउंट करा लेने। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, इस तरह एटीएम में ऐसी जो है ना करा लेते हैं इसको, उसके बाद बहुत ही इधर जो है डाकू डकैत होते हैं बिल्कुल इस तरह ही है। हाँ इसलिए हम अभी जो जाने लगे बैंक में, उधर आपको दिखाएंगे मंजर और एटीएम में हम 300 रुपया डलवाए, और आपको झील अभी दिखाएंगे, अभी आपको हमने आंसू झील भी दिखानी जा रहे हैं। आंसू झील दे थे हाँ जी घर भाई, ये मंजर देख ले आप बहुत ही खूबसूरत है, और आगे आगे आपको थोड़ी देर में आंसू झील का जो है नजारा कराते हैं। हमारे साथ रहिए, सफर अभी तक बहुत है और तकरीबन 8 घंटे लगेंगे। आप पहुंच गए आंसू झील ते तुसी बड़ी बेसब्री ना इंतजार कर रहे होने हो, चेक करो फिर ए नजारा क्या बात है। आंसू झील ठीक तरह नजर नहीं आएगी क्योंकि ये खुचक हो चुकी है, और थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको अभी कुदरत झील का भी हम नजारा दिखाएंगे। ये आंसू झील आपको ठीक तरह नजर नहीं आएगी क्योंकि हमें नजर आ रही है कि ये आंसू झील बनी है। ठीक है जी, ए कुदरती झील है ये बिल्कुल, आंसू झील तो 2 कदम अगे, लेकिन ये खुचक हो चुकी है। हाँ जी इसमें हम पैदल जो है ना सफर कर रहे हैं, तो आगे आगे देखें इसमें जो है घास जो है फूट पड़ा है। ठीक है, और ये पुल आप चेक कर सकते हो, ये पुल कौन सा है, ये दुलदुल पुल तुसी चेक कर सकते हो, अच्छी भी बड़ा बेताब है भी लोकेशन तो दुलदुल पुल नहीं होना दसी। माशाल्लाह पुल बहुत एक पहाड़ी पे चढ़ने लगे हैं, और आपको वहाँ ऊपर चढ़ के बुलंदी तकरीबन 400-100 फुट है जी, तो उससे से चढ़न लगे हैं, लेकिन आप इंतजार करें अभी हमारा थोड़ी देर में आप बड़ा औखा चढ़ रहे हैं। माशाल्लाह इतना सफर जी असी मेहनत जीता कर लिया है।